भाभी आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कर रही थी। फिर आप क्यों कर रही हैं? देखिए जब तक मैं इस घर में हूँ आप कोई काम नहीं करेंगी। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूँ तो... अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कर रही थी। मैं जानती थी भाभी आप नहीं चाहेंगे कि मैं ये घर छोड़ कर जाऊँ। जानती है भाभी जब से मैं इस घर में आई हूँ ना मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों को छोड़ कर कहीं जाऊँ। इस घर में सब लोग कितने अच्छे हैं, माँ बाबू जी, बस एक राहुल भैया से बहुत डर लगता है। क्यों? वो क्या है ना मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता होगा, बहुत चुप चुप रहते हैं ना। अब देखिए ना कल रात डाइनिंग टेबल पर उन्होंने बहुत बात नहीं की। जो लोग कम बोलते हैं मुझे उनका काम करते हुए बड़ा डर लगता है। अरे पता नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है अपने काम की वजह से परेशान होंगे, वरना राहुल ऐसे बिल्कुल नहीं है। वैसे तो भाभी मुझे आपके घर के मामले में दखलंदाजी करने का कोई हक तो नहीं, लेकिन आप लोग, मेरा मतलब है आपस में कहीं बोलचाल तो बंद नहीं? वो क्या है ना घर में जरा सी भी टेंशन होती है तो दम घुटने लगता है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा एक दिन बाबूजी को भी लगा था। दरअसल हमारे कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो राहुल हॉल में जाके सो गए थे। मैंने बाबूजी को ये सारी बातें एक्सप्लेन की पर तुम जानती हो ना बाबूजी कैसे हैं। कोई बात नहीं भाभी, मेरे मन में आया सो मैंने पूछ लिया। बुरा मत मानना भाभी। अरे अपनों की बातों का बुरा क्या मानना गौती, इट्स ऑल राइट। चलिए भाभी ज्यादा काम मत किया कीजिए। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। नहीं बुलाएंगे? आप आपके फ्रेंड्स की लिस्ट दो। हाँ, मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट दे दी है और उनके एड्रेसेस भी। हाँ, मेरे क्लास में सब मुझसे जल रहे थे, उन्होंने अपने पापा की शादी नहीं देखी लेकिन मैं देखने वाला हूँ। यस। पापा आ गए। क्या कर रहे हो? आपकी शादी की तैयारी। देखो पापा आपके कार्ड्स आ गए, अच्छे है ना। हम लोग जगह जगह बहुत सारे कार्ड्स भी देने वाले है। मैं दोस्तों को भी कार्ड्स देने को रेडी हो गई है मम्मी। राजेश तुम्हारे शादी के सारे कपड़े आ गए हैं? हाँ हम लोग ने सारी शॉपिंग कर ली है, थोड़ी कुछ बाकी है वो भी कर लेंगे। मम्मी पापा की शादी में बैंड आएगा? अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, डेक लगा कर नाच लेंगे। पापा हम आपकी शादी में बहुत धमाल करने वाले हैं, मेरे सारे दोस्त देखते रह जाएंगे। हाँ। तुम लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नहीं तो जाओ पहले वो पूरा कर लो, जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो रहा है ना इस सब पर और मुझ पर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यही बात है, तुम सोच रहे हो कि ये सब चीजें इतनी आसानी से कैसे हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तुमने भले ही मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं रखा लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा तो मुझे हर वक्त हर दिन हर रात ख्याल होता है। मैं चेंज करके आता हूं। दो आराम से चेंज कर राजेश, पर तुम्हारी शादी के बाद जिंदगी रातों रात कैसे बदलती है ये तुम देखना। एक बार शादी तो हो जाए, आज तक तुमने मुझे तड़पाया है, अब मेरी बारी है तड़पाने की। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। पागल नहीं हो तो तुम्हें शौक दे देकर पागल बना दिया जाएगा, ये लोग तुम्हें पागल बनाएंगे। बनोगी ना तुम पागल? नहीं। हाँ अगर तुम पागल नहीं बनी तो मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? बनोगी ना तुम पागल? नहीं मैं पागल नहीं बनूंगी। पागल बनोगी ना? तुम्हारा पति गौरव ये नहीं जानता कि उसका कोई हमशक्ल है ही नहीं। हाँ मैं उसका हमशक्ल नहीं हूँ, अरे लोगों के लिए मेरा वजूद ही नहीं है। मेरे वजूद की असलियत सिर्फ तुम जानती हो।
सिर्फ तुम इसलिए तुम्हें तो पागल बनना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने वजूद को जिंदा रखना है बनोगी ना पागल तुम हेल्प करोगी ना मेरे तुम्हें पागल बनना जी, आज हम लोग शाम को जल्दी खाना बना ले क्या? ये तो लगता है सो गई। गायत्री, गायत्री, सो गई क्या? हाँ, अगर आप आकर मुझे नहीं जगाते, तो मैं सचमुच सो जाती। ये सब इसकी वजह से है। ये जब मेरे सर में मालिश करती है ना, तो मुझे इतनी गहरी नींद आती है, इसलिए मैं हमेशा इसे मना करती रहती हूँ। लेकिन ये बात मेरी मानती ही नहीं। नींद आती है तो इसका मतलब है तुम रिलैक्स्ड हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। जब से ये इस घर में आई है ना, तब से इस घर में बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। अच्छा, तू इनके आने से पहले कुछ बोल रही थी ना? जी, वो माँ जी, मैं पूछ रही थी आज शाम जल्दी खाना बना ले तो चलेगा? क्यों? अगर आप लोग इजाजत दें तो आज शाम मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहे तो तू अभी भी जा सकती है ना। हाँ। नहीं माँ जी, मैं शाम को ही मिलने जाऊंगी। कौन से बोर्डिंग स्कूल में है? गोल्डन वैली स्कूल की ब्रांच है ना यहाँ पर। हाँ, मैं भूल गया, क्या नाम बताया था तुमने उसका? विकास। हाँ विकास। मैं जाऊँ शाम को? अच्छा बेटा, मैं उसको फोन करके बताती हूँ। हाँ, कि मैं शाम को मिलूँ। हाँ, जरूर जरूर। हाँ हेलो जी, मैं गौतमी बोल रही हूँ, क्लास सेकंड बी से विकास को बुला दीजिए। उसका रूम नंबर 42 है। हेलो बेटा, मैं मामा बोल रही हूँ, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बहुत याद आती होगी, इसीलिए आज शाम मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। चलो। खुश हुआ ना? बहुत खुश हुआ। बच्चे को मिलने के ख्याल से ही देखो कितनी खुश नजर आ रही है ये। क्या है ना बाबूजी, जब से वो हॉस्टल में है और मैं उससे बार बार जाकर नहीं मिलती, तो दिल पर एक बोझ सा महसूस करती हूँ। उससे मिलने के बाद एकदम हल्का महसूस करती हूँ। क्या बात है, आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? अच्छा, अभी अभी किसी का फोन आया था ना? हाँ, सिंकी और बंटी का फोन था। क्या बोल रहे थे वो लोग? खुश थे अपने पापा की शादी को लेकर। बोल रहे थे कार्ड भी छप गए। अब वो तो बच्चे हैं, उनको तो इस बात की सीरियसनेस का पता नहीं है, लेकिन ये सपना और उसके साथी ये समझ क्या रहे हैं? ये क्या गुड्डे गुड्डी का खेल है? बाबूजी, बाबूजी, ये है अंजलि, राजेश इसी से शादी करना चाहता है। क्या बहू, ये जो तुम कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। तुम हमारे परिवार के माथे पर एक दाग लगा रही हो। लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, हमारे पीठ के पीछे हंसेंगे वो। बाबूजी, अगर ये शादी नहीं हुई तब भी इसके जो परिणाम निकलेंगे उस पर लोग हंसेंगे। हंसेंगे तो वो हर हाल में। हमें देखना ये है कि हमारी सुख और शांति किस में है। हम तो आपको एक कार्ड देने आए थे। तुम्हारे जी में जो आए करो, हमें ना तो इस कार्ड से कोई सरोकार है और ना इस लड़की से।
माँ जी। नहीं भाई, हम तो इसका स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम शादी में भी नहीं आएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुमने जो भी कदम उठाया है वो बिल्कुल गलत है बेटा। देखिए, अभी इनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं आया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 4-5 दिन इनको शॉक ट्रीटमेंट और दिया जाए, उसके बाद में कुछ कह सकता। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली, मुझे यहाँ से ले चलो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति से बैठो। क्या कर रही हो तुम? मुझे घर जाना है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बेटा एक मिनट मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? शॉक देने के बाद कभी कभी मरीज काफी कमजोर हो जाता है, फिर भी ऑल राइट। डॉक्टर, इसकी हालत देखनी चाहती, बहुत कमजोर हो गई है। क्यों ना हम इसे घर ले चले? हाँ ये ठीक है। डॉक्टर साहब, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं, वहाँ माँ भी है, मैं भी हूँ। केस आपके सामने क्लियर है। अगर आप इस कंडीशन में इन्हें घर ले जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट रोककर, तो आप ले जा सकते हैं, पर आई विल नॉट टेक रिस्क, यू हैव टू साइन अ बॉन्ड। डॉक्टर साहब, क्या ये ट्रीटमेंट घर पर नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, आप इन्हें घर ले जाइए, इनका ट्रीटमेंट हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट मिस्टर गौरव। थैंक यू सर। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, जो चाहिए विल बी प्रोवाइडेड। सॉरी। देखो बेटे, मैं आ गई हूँ, तुम्हें यह फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने जैसा तय किया था वैसा ही होगा। जिस काम को करने मैं इस घर में आई हूँ उसे पूरा करके ही दम लूँगी। इस काम को करने के लिए मुझे इस घर की कमज़ोरियों को जानना और समझना है। फिलहाल एक कमज़ोरी नज़र में आई है। यूँ तो राहुल और आंचल पति पत्नी हैं, पर मामला कुछ गड़बड़ है। वे दोनों माँ बाप भी बनने वाले हैं, पर दोनों के चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं है। आखिर ये माजरा है क्या, ये जानने के लिए मैं इस घर की नींव हिला दूंगी। तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसीलिए तो मैं ये सब बातें तुम्हें बता रही हूं। मैं इन लोगों को बर्बाद करके रहूंगी। मैं जानती हूं आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं, मुझसे नाराज हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहने आई हूं। आप ये भूल जाइए कि आप राजेश की मां हैं और मैं राजेश की बीवी। हम दोनों सिर्फ औरतें हैं, शादीशुदा औरतें। जिस वक्त मुझे पता चला कि राजेश किसी और से प्यार कर रहा है, तो उस वक्त मेरे मन में दो बातें आई। पहले तो मैंने सोचा कि राजेश को फौरन छोड़ दूं, लेकिन उससे क्या होता, उसे जो करना था वो तो करेगा ही, लेकिन बच्चे, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, उनके भविष्य खराब होंगे। मतलब मुसीबत में तो मैं और बच्चे, हम तीनों ही आएंगे। फिर मैंने सोचा राजेश से कह दूं कि उस औरत से मिलना छोड़ दे। मेरे सामने शायद वो हाँ कहते, लेकिन मेरे पीठ पीछे तो वो जाकर मिलते ही ना। मतलब मेरा घुट घुट कर जीना तो
जाहिर ही रहता, इसलिए मैंने सोचा कि उन दोनों की शादी करवा दूं, उन्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि उन्हें देखकर कोई और राजेश या अंजलि ये कदम उठाने की या अपने परिवार वालों को दुख देने की हिम्मत ना करें। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के भलाई के लिए किया है। लेकिन बेटा, मुझे तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। माँ जी, आपको अपने बेटे की दूसरी शादी पर इतना दुख हो रहा है, जरा सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। सपना, मैं खुद उनकी शादी करवा रही हूं, कुछ ना कुछ तो सोच समझकर ही कर रही हूं, है ना? तुम्हारे हौसले देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस परिवार पर कोई आंच ना आए और तुम अपने मकसद में कामयाब रहे। थैंक यू माँ जी। जी हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, थैंक यू। आप क्या हम पहले मिले हैं? जी नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा नाम गोपाल है, मैं राजेश का पिता हूं। राजेश और बस कीजिए, राजेश की बीवी सपना यहाँ शादी का शगुन दे गई है। राजेश आखिर अपने प्यार की दुहाई दे गया है, आप क्या देने आए हैं? आप मुझे ऑर्डर देने आए होंगे कि उन दोनों के प्यार पर अपने हाँ की स्टैंप लगा दूं। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि हो सके तो ये शादी रुकवा दीजिए। क्या? जी हाँ, राजेश की इस हरकत से जिस कदर मैं शर्मिंदा हूं मैं बता नहीं सकता। मुझे उससे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। सपना, वो तो जो भी कर रही है बेवकूफी कर रही है, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है वो। लेकिन क्या करें, हर कोई अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इसीलिए मैं ये सोचकर आया था कि किसी तरह आपको साथ लेकर मैं ये शादी रुकवा सकूं, आपको राजी कर सकूं शादी के रुकवाने के लिए। गोपाल जी, मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूं, पर क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतना बेबस और लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक शादीशुदा इंसान से हो, वो भी दो दो बच्चों के बाप से। पर क्या करो, अंजलि जिद पर अड़ी हुई है कि राजेश से ही शादी करेगी। उसने तो मुझे यहां तक कह दिया है कि अगर राजेश से उसकी शादी नहीं होती है तो वो खुदकुशी कर लेगी। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बच्ची उसी की आंखों के सामने। जी हाँ, अपनों के चले जाने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर। कैसी हालात में पहुंचा दिया है हमारे बच्चों ने हमको। मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता हूं और आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। दोनों ही हालत में नुकसान हमारा ही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।